सेकंड घंटे देखो तो इसमें कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर्स में क्या किया था, ये लास्ट लेक्चर है हमारा सीबीएसई की रिवीजन का। इसके बाद जो जो पर्सनल आप पढ़ेंगे उसके डाउट्स होंगे वो मैं बैठा करूंगा, तो आप पर्सनल अपने जो जो डाउट्स हैं वो मार्क करके ले आए तो उसके ऊपर काम होगा, राइट। अब मतलब एक कॉमन नहीं होगा, अब जिसकी जो जो दिक्कत होगी उसी को ठीक करेंगे। एंड साथ साथ अभी क्योंकि आज डेट अभी मतलब देखा जाए पेपर में एक महीना पड़ा है, तो बोर्ड्स के तो मेहनत करोगे करोगे, तो पहले जो अभी हमारा एक हफ्ता भी पड़ा हुआ है इसमें मुझे लगता है कि आप मेंस की तरफ नॉन मेडिकल वाले थोड़ा सा भी लास्ट वीक लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे प्लस टू आप कर रहे हैं तो भी मैंने कहा था शीट के साथ करना, ताकि सारी प्लस टू विद ऑब्जेक्टिव भी आपकी प्रिपेयर हो जाए बहुत अच्छे से, और पेपर्स के बाद आप प्लस वन पे फोकस करना और फिर मॉक टेस्ट पे करना। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाना, और अभी प्लस वन के दो टेस्ट होंगे, फिर प्लस टू के होंगे, फिर प्लस वन प्लस टू का होगा। तो कोशिश करेंगे कि अभी चार पांच टेस्ट अभी हो जाएं, और उसके बाद जो पेपर के बाद आओगे फिर पीसीएम के टेस्ट होंगे, पीसीएम के यहाँ पे ऑनलाइन होंगे, तो फिर उसी में थोड़ा पता लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस आएगी। तो मैं टेस्ट बना के रखूंगा मार्च में, मार्च में एक महीना है मेरे पास, तो आप पेपर देंगे, मैं टेस्ट बना के रखूंगा, तो पूरा पीसीएम के टेस्ट ही बनाएंगे जितने भी होंगे। तो अभी क्या करना है आपको, सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक इस बार कट भी हो गए थे, सबको पता ही है, और सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो खुद की बजाय सामने वाला बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ना थोड़ा सा अजीब है ना, ये एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है इसमें, तो थोड़ा रिवीजन सी हो जाती है, तो बंदा रिवाइव हो जाता है कि हाँ ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन समझ के करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पेपर में आया हुआ है, और कुछ यू लाइक के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो भी एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड में कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सिलिकॉन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। जब एटम बहुत दूर दूर होते हैं तो एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके से, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, तो पी के दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एस के दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा होती है, और इस तरीके से फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। लेकिन जब आप एटम को पास लेके आते हैं तो एनर्जी लेवल चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आउटर लेवल एनर्जी लेवल्स हैं वो बैंड की फॉर्म में आ जाते हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस ए हो जाता है तो दो बैंड बन जाते हैं एनर्जी के, अपर बैंड और लोअर बैंड। अपर बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, लोअर को बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो ये आपको लिखना आना चाहिए अगर एनर्जी बैंड के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो, राइट। वैसे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, 7-8 साल में एक बार आता है, मतलब अगर पुराना अगर स्टैट्स देखें तो, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ये विजिटर नहीं रहेगा, और तो इसमें
फ्रीक्वेंटली नहीं आता, और कभी कभी बीच में मैंने देखा है 10 ईयर में एक ही बार मैंने देखा है एनर्जी बैंड के ऊपर क्वेश्चन। ये डायग्राम याद रखना, अपने वर्ड में जो मर्जी लिख देना, मतलब डायग्राम क्लियर है तो सब पता ही है इसमें क्या करना है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस एंड फॉरवर्ड एनर्जी गैप। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट, जो है रेयरली प्रेजेंट होते हैं, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके बीच में गैप को फॉरवर्ड एनर्जी गैप बोलते हैं, और इसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमी कंडक्टर्स को। तो अगर तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है तो हम इंसुलेटर बोल देते हैं, अगर बहुत छोटा होता है या ओवरलैपिंग होते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। और अगर ये गैप मीडियम होता है, ताकि कभी क्रॉस हो जाए गैप और कभी नहीं हो, तो उसको इसमें उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो अगर डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल आएगा, तो आपने ये लाइन और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं। एक डायग्राम में आपने ये शो करना है कि गैप है ही नहीं या बहुत कम है, एक में ये शो करना है कि जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, और एक में ये शो करना है कि जो गैप है वो मीडियम है। ये तीन चीजें हो गई। इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ होल्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा व्हाट डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, आप लिख रहे हो होल्स ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, मतलब जो एक जो है एप्लीकेशन बेस्ड जिसको बोलते हैं। तो अभी दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता ना चाहिए, होल सबको पता ही है क्या होता है, कि अगर एक बॉन्ड टूटता है सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो अगर वो बॉन्ड की जगह छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपनी जगह एक खाली सीट छोड़ जाता है वैलेंस बैंड में, जिसको आप होल बोलते हो। तो कंडक्शन बैंड में जो ऊपर का बैंड है कंडक्शन बैंड, उसमें हो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोमेंट, उनकी मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है या कंट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी में, और वैलेंस बैंड में होल्स की मोमेंट कंट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो दो चीजें हैं। तो ये देखा गया है कि अगर मान लो एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और सिलिकॉन या कोई भी एक सेमी कंडक्टर है, अगर इसमें से चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में चले गए तो कंडक्शन बैंड में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार होल्स क्रिएट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एकदम बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये होल्स की फॉर्मेशन है, और अगर स्ट्रक्चर से देखना है तो होल की फॉर्मेशन आपके सामने है। तो एक बॉन्ड टूट गया तो अपनी जगह होल छोड़ गया, तो ये बेसिकली होल फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स में आपको ये बताया गया है कि आप जब इसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो एनर्जी प्रोवाइड करते हो, बॉन्ड टूट जाते हैं और मूवमेंट स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की। तो ये बताया गया है कि इसके अंदर सबसे पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक में प्योर सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, इनका अमाउंट सेम होता है, ना कोई ज्यादा होता है ना कोई कम होता है। तो ये इंट्रिंसिक है। लेकिन अगर आप बात करते हो और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है उनकी अमाउंट सेम होती है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें हम डोपिंग करते हैं, उसके बाद इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। डोपिंग करने के रूल्स हैं, कुछ कुछ नहीं आता इसमें से, एन टाइप पी टाइप बस पता होना चाहिए। एन टाइप कैसे बनता है, प्योर सिलिकॉन जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस डोप विद कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम आर्सेनिक फॉस्फरस एंटीमनी बिस्मथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और ऐसी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इज नियर टू द कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट हो जाता है, जो ऑलमोस्ट फ्री, फ्री तो नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब उसको तोड़ना बहुत आसान है। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कंडक्शन बैंड में ज्यादा होती है और वैलेंस बैंड में इसमें कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आ जाता है ये क्या 2 नंबर में, कि ये बताओ कि एनर्जी लेवल का क्या होता है। तो जब वैलेंस बैंड में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैलेंस बैंड में जब फिलिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो प्योर सिलिकॉन के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन लेवल ऑक्यूपाई करता है एनर्जी का, उस लेवल ऑफ एनर्जी को फर्मी लेवल बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्योंकि फालतू इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और फालतू इलेक्ट्रॉन इसके पास तो होंगे नहीं वैलेंस के बाद, वो तो कंडक्शन के पास होंगे, कंडक्शन के अंदर भी नहीं होंगे क्योंकि बिल्कुल फ्री नहीं है, एटम के आसपास घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन। हमने एनिमेशन के अंदर भी एक बार देखा था, वो पांच चार तो बॉन्ड बना लेते हैं, पांचवा साथ साथ घूम रहा होता है उसके, जिसको तोड़ना बहुत आसान है। तो तोड़ना आसान है, इट इज वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा हो जाते हैं और वैलेंस में कम होल्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं। तो आपने ये लिखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी लेवल का क्या हुआ, वो पूछेगा क्वेश्चन में, पक्का पूछेगा, आ सकता है ये कि फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, और उस लेवल ऑफ
एनर्जी को क्या नाम देते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट। ये डायग्राम बनाना है और डोनर एनर्जी स्टेट बनाना है, ठीक। ये वर्ड वो देखना चाहेगा और ये डायग्राम देखना चाहेगा आप कैसे समझ के आए हो। उसके बाद जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट डालते हैं, एक होल क्रिएट हो जाता है इसमें। तो जब होल क्रिएट होता है तो वो होल क्योंकि कंडक्शन बैंड की तरफ तो होता नहीं है, दैट इज वेरी मच क्लोजर टू दी वैलेंस बैंड। तो यहाँ से कोई भी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो उस होल पे जाके बैठ सकते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी गई है, पड़ोस के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ होल स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जब कोई होल पे इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा अपनी जगह होल क्रिएट करेगा, तो होल की मूवमेंट जो होती है वो वैलेंस बैंड में होती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जो जितने भी बॉन्ड टूटेंगे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें हम ये बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में कि होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, होल्स मेजोरिटी कैरियर में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर में है। फिर हम ये बोलते हैं कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप एनर्जी लेवल से समझाएं पी टाइप में क्या होता है, तो एनर्जी लेवल से ये समझाना है कि जो एनर्जी लेवल है वो फर्मी लेवल थोड़ा सा मतलब वो वैलेंस बैंड की तरफ ही होता है, उस एनर्जी लेवल को क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये आपने दो डायग्राम पक्का बनाने अगर ये क्वेश्चन आता है एक्सेप्टर और डोनर के ऊपर, दो दो पॉइंट्स हैं, मतलब वो यही देखना चाहेगा। मैं पेपर देख रहा था उस दिन, चल रहा था, परसों की बात है, जब शाम को बैच में मैं भी था बीच में, तो वो एक दो स्टूडेंट क्या वो थ्योरी पे थ्योरी लिखे जा रहे हैं, पेज भर भर के थ्योरी लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे। कौन इंटरेस्टेड ऐसे पढ़ने में, ऐसे नहीं पढ़ने किसी ने, मैं बता रहा हूँ आपको। वहां अगर आप थ्योरियां लिख के आओगे ना सोशल स्टडीज की तरह कि ये उसने ये किया था वो किया था, कोई नहीं इंटरेस्टेड। आपको टीचर का बहुत कम टाइम कंज्यूम करना है, अगर आपने उसका ज्यादा टाइम कंज्यूम किया वो इरिटेट हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ गोली डाल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वो इरिटेट हो गया उसमें चेक करने की बजाय ना, हो सकता है आधा नंबर वैसे ही कट करना शुरू कर देना है कि यार पता नहीं कौन पढ़ेगा इसमें, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ऐसे गोल 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 लिखा हुआ है और चल तीन में से ढाई, तीन में से ढाई, आधा आधा करके आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो बहुत ही क्लियर लिखना है, जो 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 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा डायग्राम से कोशिश करो, डायग्राम जरूर बनाओ, अपने माइंड से बनाओ, कैसे भी करो, डायग्राम तो हर चीज का बन ही सकता है, कैसे मत ब्लॉक डायग्राम भी बना दो किसी चीज का, नहीं बनता डायग्राम कोई बात नहीं, आप कम से कम हेडिंग तो लिखो, पूरी कहानी मत लिखो, आप क्या बता रहे हो उसको क्या पता क्या बता रहे हो, आप हेडिंग लिखो मैं ये बताना चाहता हूं पहले, फिर आप उसमें चार लाइनें लिखो, उस चार लाइनों के अंदर से भी ना आप प्लीज उसको बॉक्स में डाल दो जो आप कीवर्ड बताना चाहते हो कि मैं पढ़ के आया हूं और मुझे मालूम है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। बिलीव मी वो पढ़ेगा भी नहीं यार, वो डिब्बे देख के समझ जाएगा कि आपने ठीक ठाक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इतने में फ्लो बन जाएगा उसका। तो प्लीज रिटन प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से मेहनत करो, मेंस की स्ट्रैटेजी अलग है, बोर्ड की स्ट्रैटेजी अलग है, मेंस की स्ट्रैटेजी अब आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद एक्सपीरियंसड हो। कम अटेम्प्ट ठीक अटेम्प्ट, मतलब जितना भी अटेम्प्ट परफेक्ट अटेम्प्ट स्कोर ऊपर, जितना भी अटेम्प्ट उसमें गलतियां तो स्कोर नीचे, है ना। सीबीएसई के अंदर आपने देख लिया कि आप अटेम्प्ट जब कर रहे हैं तो फर्स्ट जो तीन या चार पेज होंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं कितने परसेंटेज का स्टूडेंट है। ये तो आप रहने दो ना कि चार पेज तो आपके खराब चले गए, पांचवा पेज में आपने सबको ठीक लिख दिया और फिर टीचर कहेगा हाँ ठीक है, ऐसा यार किसी को टाइम नहीं है वहां पे, बहुत तेज चेकिंग होनी होती है। आप देखो ना इतने लाख बच्चा अपीयर हो रहा है और एक स्कूल के टीचर के बाद बहुत सारे पेपर आते हैं चेक होने के लिए, उसके बाद उसको एक टारगेट है यार उसे 100 पेपर चेक करके ही जाने हैं, जो मर्जी कर दो, और उसका काम सिर्फ पेपर चेक करने का नहीं है, याद रखना उसको दुनिया में बहुत और भी काम है, ठीक। और वो अपने कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, उसको अपने काम करने हैं तो उनमें से ये भी एक काम है, बट उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो काम करना है। वो 10 बजे पेपर चेक करना स्टार्ट कर देगा मान लो, तो उसको 1 बजे तक 3 घंटे के अंदर उसको टारगेट है, वो सोच के आया होगा कि आज मेरे को 100 चेक करने करने हैं 2 बंडल, ऐसे होता है ये, ऐसे कोई नहीं होता करता कि चल जितने हो गए बाकी देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा अपना टारगेट बनाकर निकलता है, उसको अपने एवरेज पता है कि मैं 2 बंडल चेक कर ही दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब वो पेपर चेक कर रहा होगा, आपने देखा भी पेपर चेकिंग होती है तो टीचर क्या एक एक लाइन पढ़ रहा होता है, कोई नहीं पढ़ता यार, वो मतलब एक नजर मारता है डन, एक नजर मारेगा डन, तो वो आपको ना उसको कैच पकड़ाना पड़ेगा। तो पहले चार जो पेज होंगे ना उसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है आपने। मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि लोग कहते हैं कि टीचर बोलते हैं कि आउट ऑफ सीक्वेंस काम ना करो, कुछ ना करो, जो आता है पहले वो करो, 5-5 नंबर के पहले कर दो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मेंस के अंदर बोला जाता है ना पैनिक होता है आखिरी टाइम, आधे घंटे में पैनिक होता है ना, जबरदस्त पैनिक होता है कि मैं कर लूं और कर लूं और कर लूं, और दिमाग खराब हो जाता है पिछले 15 मिनट में कि पेपर खत्म होने वाला है। ये बिल्कुल सेम पैनिक सीबीएसई के अंदर होने वाला है,
आपको अभी लग नहीं रहा होगा मेरी बातों से, आपको स्कूल के पेपर में बहुत दिया आपने, संडे के पेपर बहुत दिया ऑब्जेक्टिव, तब तो हुआ नहीं, उस दिन होगा 15 मिनट के अंदर, आखिरी 20 मिनट के अंदर फिर से आपको ब्लैकआउट जैसा फीलिंग आ सकता है अगर आपका बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है। और बच्चा तब फंसता है जब उसके पांच पांच नंबर के तीन क्वेश्चन पड़े होते हैं और 15 या 20 मिनट रह जाते हैं, फिर उसके हाथ पर फूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, चाहे छह पड़े हुए हैं, उसको पता है यार दो नंबर में दो ही तो मिलने हैं, तो अल्टीमेटली वो चार लाइन भी लिखेगा तो भी दो में से डेढ़ या दो तो निकाल ही लेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप पहले उल्टा पेपर स्टार्ट करके पांच पांच वाले पहले करो, उसके बाद कोई कह रहा था एक एक नंबर वाले भी कर लें, आप नजर मार लेना, आपको अगर लगता है एक एक नंबर वाले आपको आते हैं, वो फिलिंग दी ब्लैंक्स और जो भी आना है फिर तो उसके साथ करो, आपको लगता है कि नहीं उससे बात नहीं बनेगी या ऐसे कर लो पहले वो कर लो, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा नहीं, 20 नंबर तो हो ही जाएगा, उसके बाद पांच करो, पहले एक एक नंबर वाले करो, फिर पांच करो, फिर तीन करो और फिर दो करो, दो और तीन मत करो, तो पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स करो या जो भी मल्टीपल चॉइस जो भी आएगा, फिर पांच जरूर करो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं फॉर्मूला चेंज नहीं करो, वहां जाके फॉर्मूला चेंज नहीं करो, पांच नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, पांच नंबर के क्वेश्चन तंग नहीं करते जितने तीन और दो के तो बहुत ही करते हैं, दो में तो खूब दिमाग लगाते हैं ना वो, पांच में स्टैंडर्ड है, जिन्होंने पूरी क्लासेस लगाई हैं उनको एक आइडिया हो जाता है कि वेव ऑप्टिक्स में क्या आया हुआ है, रे में एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का आना है, एक क्वेश्चन आपका जो आना है वो रे ऑप्टिक्स का आना है, पांच में आपने देखा ही है, पांच पांच के हमने जब एनालिसिस किए हैं तो सबको पता है कि अगर आप 4 या 5 साल का पेपर भी एनालाइज कर रहे हो ना, मतलब आपको पता होता है कि यही क्वेश्चन फिट बैठेगा इसमें, उस चैप्टर को अच्छे से करके पहले पांच पांच पहले कर लो, फिर तीन करो और फिर दो और फिर इस तरीके से, तो पांच में जितना लिखना लिखो कोई बनाई नहीं, पांच में से पांच तो मिलेंगे, तीन में से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो, तीन के अंदर कई बार क्या होता है क्वेश्चन लगता है वो पांच का डाला जाता है तीन में, फिर पेपर में आता है कि लेंथी पेपर था, संभल के चलो, पांच में 2 पेज आगे पीछे, तीन में 1 पेज है ना, दो में आधा पेज, और एक और दो में कोई चक्कर नहीं, एक में कोई चक्कर नहीं, अब स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्टाइल ये फॉर्मूला है ना, पांच में आगे पीछे भी जाएगा। देखो यार जो चालाक लोग हैं वो तो कुछ ड्रामा तो करते ही हैं थोड़े से, वो 2 पेज ऐसे नहीं ना, बीच में डायग्राम बनाएगा आधे पेज का, पहले लिखेगा व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, एक लाइन छोड़ेगा, फिर प्रिंसिपल लिखेगा खुला खुला, फिर एक लाइन छोड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाएगा बढ़िया सा, फिर लेबलिंग करेगा बड़ी बड़ी उसकी पेंसिल से, और फिर वर्किंग लिखेगा एक लाइन छोड़ के, वर्किंग मैथमेटिक्स करेगा, फिर अगला पेज ये आएगा, फिर एक एक फिर वर्किंग में ना स्टेप नंबर 1, लाइन छोड़ के 2, लाइन 3, 4, चलो जी, मतलब उसको पता लग रहा है कि एक फॉर्मेट चल रहा है। मैं नहीं कहता कि दो, मतलब एक एवरेज बोल रहा हूँ, 1.5 पेज में हो सकता है, एक पेज में थोड़ा कम ही होता है पांच वाला, क्योंकि दो पार्ट्स आते हैं तो इतना तो चलता ही है, अगर न्यूमेरिकल आ गया फिर कोई दिक्कत है नहीं पेजेस का, थ्योरी आ गई फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उसका फॉर्मेट सही बैठेगा। अब ऐसा ना हो यार, कईयों की बहुत बुरी आदत है वो ना इतना छोटा छोटा टाइट लिख के ना 6 लाइन में ही 5 लाइन में 5 नंबर क्वेश्चन हो, इतने पूछा था जी मुझसे, तो ऐसे मत करो यार, इतना पूछा था इतना नहीं पूछा था ऐसे मत करो, थोड़ा सा यार प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ना, तो मतलब आपको ये बहुत ध्यान से 3-3 घंटे के पेपर जब अटेम्प्ट करोगे, मैं देखूंगा एक बार आपके 3 घंटे के पेपर, तो उसमें फिर मैं एनालाइज करूंगा कि ये फॉर्मेट सही नहीं लग रहा देखने में, बस वहीं से पता लग जाएगा ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा सा अटेम्प्ट करो ताकि टीचर को ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, बस ये याद रखना ठीक। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंटेंट बहुत लोगों को आता है लेकिन परसेंटेज नहीं आती, वो कहता ठीक तो लिखा था यार, तो किसको समझाओगे ठीक लिखा था, किसने चेक किया ये नहीं पता, कि कहाँ से रिजल्ट आया ये नहीं पता, जाओगे कहाँ फिर एवे रिवेल्यूएशन ये वो, उस चक्कर में नहीं पड़ना, एक ही टेंट में सब ठीक करो ठीक। तो डिफरेंस एक्सट्रेंसिक इंस्टिंग इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये सेम डिफरेंस है, पी टाइप एन टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर जिसमें ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बाई एल, तो ये रहा, और जो टोटल करंट है दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एज वेल एज होल करंट, ये आपको पता होना चाहिए।
जो टोटल करंट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट, राइट। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट की फॉर्म में, ड्रिफ्ट की फॉर्म में जो करंट है दैट इज एन, क्योंकि वी क्या होता है आई बाय एन नहीं, तो आई क्या होगा एन ए इन टू वी। तो होल और इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखा, होल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में वैल्यू को पुट किया, ए नीचे आ गया, आई बाय ए की रेशियो आ गई। फिर हमने किया था रो क्या होता है आर ए बाय एल, तो इक्वेशन नंबर 1 और 5 को डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी ई इज इक्वल टू वी बाय एल, और ये इक्वेशन 5 है आर ए बाय एल, तो ई बाय रो को डिवाइड करके आपके पास ये टर्म आएगी, और वी बाय आर क्या होता है आई बाय ए, आई बाय ए की जगह क्या पुट कर सकते हो ई बाय रो। तो यहां से ये टर्म पुट करके आप एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करोगे मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू ई म्यू एच की वैल्यू से वी ई वी एच आएगा, वी ई वी एच को यहां पर पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी म्यू, तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 बाय रो आएगा, और 1 बाय रो को सिग्मा लिख सकते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी, ये प्रूफ आ सकता है इसमें। इसके बाद आपको इसमें एक और रिजल्ट आ सकता है, ये ना जब चल रहा था चैप्टर तो मैं ये स्किप कर गया था, मुझे याद नहीं रहा ये डिस्कशन करना, तो आपके बुकलेट में मेंशनड है ये। तो ये 2 नंबर में आता है कि डिड्यूस रिलेशन बिटवीन डिफरेंट चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, नहीं है ये इसमें? अच्छा कोई बात है, सैंपल पेपर में आ जाएगा, फिर यू लाइक में से आ जाएगा, अभी कर दूंगा, है ना, पेपर कर रहे हो ना, तो उसमें मोस्ट प्रोबली आएगा, नहीं आएगा तो 2 लाइन का ये बता देता हूं। इसमें ये ज्यादा लाइनें लिखी हैं, है ये 2 नंबर का, 1 नंबर का ही, क्या फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट डज दिस इक्वेशन इंप्लाई इन रिगार्ड टू एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इन शॉर्ट जो एन होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनका इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में आपस में इनका क्या रिलेशन है। जैसे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एन एच लिखते हैं, एन के पैर में एच यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, जो एन टाइप है उसमें एन ई लिखते हैं, और जो इंट्रिंसिक है उसमें एन के पैर में आई लिखते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की क्वांटिटी सेम होती है। तो एन आई एन ई और एन एच में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक पूछ रहे हैं। हालांकि जब पेपर में आएगा तो बहुत आसान नहीं है इसको पढ़ना, मतलब हाँ ऐसा ही है, वही सेम रिजल्ट है। तो उसको 2 लाइन में लिखना कैसे है, इसमें यह बताया गया है कि होता क्या है कि जब इक्विलिब्रियम होता है और एक टेम्परेचर के ऊपर होता क्या है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स जितने बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उतने ही साइमल्टेनियसली ये माना जाता है बॉन्ड बनते भी जाते हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, ये बता रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, जो बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं एक ही बात है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन ए इन टू एन एच, की जो भी डेंसिटी है एन ए और एन एच के प्रोपोर्शनल होता है और कॉन्स्टेंट होता है आर, तो आर इज कॉन्स्टेंट दैट इज रिकॉम्बिनेशन कोफिशियंट जो मटीरियल पर डिपेंडेंट है। तो वो ये कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये एन ई एन एच है, लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये सेम जो रेट है वो एन ई एन एच नहीं, क्योंकि एन ई एन एच की वैल्यू सेम होती है इंट्रिंसिक में, तो एन आई का स्क्वायर हो जाती है। और वो कह रहे हैं चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, ये रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों में सेम रहता है, तो सेम रहने की वजह से इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट, आर से आर कैंसिल, तो यहां से ये एन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन ई इन टू एन एच, ये आपका रिलेशन आता है, जो एंड रिजल्ट है वो इसके इक्वल आएगा। तो अगर वो एक नंबर में पूछता है कि एन आई एन ई और एन एच में रिलेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इस बार सेमीकंडक्टर्स क्योंकि मैं टॉपिक कटे हैं बहुत, मतलब ज्यादा टॉपिक कटे हैं रादर, और अच्छी बात नहीं है, आपके लिए थोड़ा डाइसी हो सकता है, क्योंकि पहले तो पेपर प्रेडिक्टेड था ना कि लॉजिक गेट का 1-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस बार वो 3 नंबर कहां बैलेंस होगा मुझे नहीं पता। कम्युनिकेशन में 3 नंबर स्टैंडर्ड थे, कम्युनिकेशन जैसा भी चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन पक्का ठीक, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द बेसिक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हर कोई का 3 नंबर तो पक्का ही हो जाता था, तभी वो भी कट गया, 6 वहां से रिलीज हो गए, आपका जो सेमीकंडक्टर वो उड़ गया, एम्पलीफायर 3 वहां से उड़ गए, कितने हो गए 9 कहां जाके गिरेंगे ये नहीं पता कि किसकी इंटेंसिटी अब डबल होगी, क्या पता ऑप्टिक्स डबल करें,
क्या पता एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रे का है, वेव का है, एसी का है। मुझे उम्मीद है कि एसी में जाने चाहिए, ईएमआई एसी में, क्योंकि जब हमने पेपर एनालिसिस किया था पूरा एसी और ईएमआई करने के बाद, ईएमआई की क्वांटिटी बहुत कम थी, जो मुझे लगता था सिर्फ 4 नंबर का ईएमआई आता था सिर्फ, तो वो भी बढ़ सकता है, एसी बढ़ सकता है। और मोर ओवर जो मेरा मन कहता है थ्योरी क्योंकि कम है, तो सेमीकंडक्टर का जीनर डायोड का न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी 101% लगती है, क्योंकि जीनर डायोड के जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो हमने शुरू में किए थे, जीनर डायोड कैसे काम करता है, तो वो जो है आने की प्रोबेबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को नहीं बताएगा नहीं आएगा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर थ्योरी कटी है तो एक न्यूमेरिकल के अंदर तो उसका इनपुट जाएगा ही जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से काम करना, राइट? क्योंकि आपका फर्स्ट बैच होगा जिस पर ट्रायल होगा अगले साल, तुम्हें पता होगा कि क्या आएगा, तो इस बार तो आप बताओगे कि क्या आएगा, ठीक? तो आप सब कुछ करके जाना। तो नेक्स्ट जो है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है इतना। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज, पीएन जंक्शन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक पी टाइप है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और आप जब इन्हें ज्वाइन करते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, और ना तो अब क्योंकि शुरू शुरू में जो कॉम्बिनेशन होना था हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और यहाँ पर अब होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ये पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है इसमें जो आपको करना है, पीएन जंक्शन के अंदर बाइसिंग, एक फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। नॉर्मली फॉरवर्ड बाइसिंग पे क्वेश्चन आता है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर पी और एन है, और ये आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग से थिन हो जाता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, तो ये आपके पास एक डायग्राम बन जाता है। तो होता क्या है, जो पी पॉजिटिव के साथ है तो रिपेल होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल फिल निकल आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वापस इस रीजन में आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इस रीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और होल यहीं पे रह जाता है, और फिर से कॉम्बिनेशन होता है। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड टूटते रहेंगे और बॉन्ड बनते रहेंगे, तो इस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग अपना काम करती है। तो यहाँ से जब जो होल है वो इधर इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा, तो एक होल और इलेक्ट्रॉन जब गायब हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के फिर होल जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस, और रिवर्स बाइसिंग में ये, और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ही अगर आप करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो ये पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, इसको फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, दैट इज फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के बीच में, तो करंट एकदम बढ़ जाता है एक खास वैल्यू के बाद, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में इस खास वैल्यू को नी वोल्टेज बोलते हैं, जब करंट एकदम इंक्रीज होता है। रिवर्स बायसिंग के अंदर सेम काम चलता है। रिवर्स बायसिंग के करंट को क्या करते हैं, रिवर्स करंट, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं, मेजोरिटी नहीं करते। और इसका जो ये मेन चीज है, इसके अंदर जो ग्राफ है करेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वी आई वी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वाई एक्सिस में आई है और इसमें वी है। तो इसमें खास वैल्यू वोल्टेज के बाद ये करंट एकदम बढ़ता 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 जाता है, पर वोल्टेज बढ़ नहीं पाती, करंट ही बढ़ता है। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज अगर आपको याद हो, ये दो नाम है। तो इसके ऊपर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है, आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट करंट को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेक्टिफायर पे मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आ सकता है, किसी ना किसी की किस्मत तो खुलेगी रेक्टिफायर जब आएगा, तो रेक्टिफायर तो आ ही सकता है 3 नंबर में। तो रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जब जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें, जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें जो डायोड है अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, रिवर्स बायसिंग में ब्लॉक कर लेता है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है जंक्शन की, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाती है जंक्शन की, तभी करंट पास नहीं हो पाता। ये आपने प्रिंसिपल लिखना है। फिर आपने हाफ वेव फुल वेव के बारे में लिखना है। हाफ वेव अगर आता है तो हाफ वेव में एक डायोड लगाना है,
मोस्ट प्रॉब्ली वैसे फुल वेव ही आता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये होता है कि जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस हुआ, तो प्लस विथ पी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, तो पॉजिटिव साइकिल इसमें से पास हो जाता है। तो ये पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज अपने अंदर से पास होने देगा, तो पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकलेगा। जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इसको नेगेटिव कर देगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा, तो बिल्कुल करंट नहीं आएगा। तो फिर पॉजिटिव आएगा तो मतलब पॉजिटिव साइकिल तो पास होता जा रहा है, नेगेटिव हो नहीं रहा, तो ये इसका आउटपुट बनेगा। पर इसको ठीक करने के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। ये आपने डायग्राम बनाने हैं, पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये डायग्राम है, नेगेटिव में ये डायग्राम है, आउटपुट बीच में लेंगे। पॉजिटिव साइकिल इस डायोड के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, तो सारा का सारा करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस्ड है प्लस विद बी, तो सारा का सारा करंट यहाँ पे है। देखने वाली बात ये है, करंट आउटपुट में हमेशा लेफ्ट की तरफ है, डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो दो डायरेक्शन में होता था आगे पीछे, इसमें एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन को एक ही तरफ कर दिया, तो सारे साइकिल्स एक जैसे बनेंगे। तो देयर इज नो नेगेटिव साइकिल, हम बोलते हैं कि रेक्टिफिकेशन हो गई। रेक्टिफिकेशन का मतलब नेगेटिव साइकिल को हटाना, तो रेक्टिफिकेशन हो गई। तो ये आपने ड्रॉ करना है, आउटपुट इनपुट सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। वर्किंग में पहले आपने लिखना कैसे है, प्रिंसिपल लिखना है, नहीं पहले आपने लिखना है व्हाट इज रेक्टिफायर, करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर आपने प्रिंसिपल लिखना है, फिर आपने डायग्राम ड्रॉ करने हैं इसके आउटपुट इनपुट और ये डायग्राम। फिर आपने वर्किंग में पॉजिटिव साइकिल की हेडिंग लिखनी है, पॉजिटिव साइकिल क्या करेगा, नेगेटिव साइकिल क्या करेगा। पॉजिटिव साइकिल ऊपर वाले डायोड को पॉजिटिव कर देगा, फॉरवर्ड बायसिंग कर देगा, नेगेटिव साइकिल नीचे वाले को बायस करेगा, और इस तरीके से काम चलेगा। और इसमें रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल दैट इज वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट बाय डीसी कंपोनेंट को रिपल फैक्टर बोलते हैं। एफिशिएंसी इज आउटपुट डीसी पावर बाय इनपुट एसी पावर को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। बाकी इसमें ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, तो ट्रांसफार्मर की फॉर्मूला इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सब एप्लीकेबल है, तो वहीं लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें फिल्टर सर्किट्स आ सकते हैं, फिल्टर सर्किट के बारे में दो दो नंबर में क्वेश्चन आएगा आएगा कि क्या होते हैं फिल्टर सर्किट, क्योंकि आपकी जो आउटपुट होती है किसी भी रेक्टिफिकेशन के बाद वो पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग का मतलब है पल्सिस की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है। तो दो टाइप के फिल्टर हैं, फिल्टर करेंगे क्या, एक कांस्टेंट एक एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास होने देंगे, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या बहुत लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिल्टर कर देंगे, ये इसका काम है। तो ये क्या करेंगे, दो टाइप के फिल्टर्स हैं, एक सीरीज इंडक्टर। सीरीज इंडक्टर का डायग्राम आपको याद रखना है, तो ये डायोड है और ये इंडक्टर है, तो ये सीरीज में लगा हुआ है इसके साथ। ये इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है एल ओमेगा। तो जब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है तो ओमेगा ज्यादा हो जाता है, एक्सएल बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये बहुत बड़े हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि इसका एक्सएल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, ये करंट बाहर नहीं आ पाता। तो नॉर्मल करंट को पास होने देता है लो फ्रीक्वेंसी को, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। तो ये इसमें दो ही लाइनें लिखनी है आपने, मतलब दो नंबर का आएगा, मैंने बताया एक नंबर का डायग्राम ड्रॉ करने को आ गया, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपने ये बोलना है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से एक्सएल बड़ा हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो ये करंट को पास नहीं होने देगा। फिर आपने शंट कैपेसिटर या पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर का डायग्राम बनाना है। कैपेसिटेंस एक्स सी क्या होता है, 1/C ओमेगा होता है। ये क्या करेगा, बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जिसका ओमेगा बहुत कम है, उसका एक्स सी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और नॉर्मल को जाने देगा। यानी अगर दोनों लगे होंगे, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, तो इंडक्टर वाला सर्किट क्या कर रहा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, कैपेसिटर बहुत लो को ब्लॉक कर रहा है, तो एवरेज जो नॉर्मल करंट है उसको ये पास होने देते हैं। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाती है। अगर कोई भी दो नंबर में आएगा, डायग्राम जिसने बना दिया उसको पता ही होता है फिर आगे टीचर को, किसने पढ़ के ही आया डायग्राम जिसने बना दिया। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन। तो दो टाइप के ब्रेकडाउन है, एक जीनर ब्रेकडाउन है और एक एवलांच ब्रेकडाउन है। जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है कि जो जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, जीनर ब्रेकडाउन उनमें होता है, उन डायोड्स में होता है जो हेविली डोप्ड जंक्शन डायोड्स होते हैं, जिनमें ये जो डोपिंग है बहुत ज्यादा होती है, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी पतली रहती है, डिप्लीशन लेयर पतली होने से, डी कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक, उसके बाद आपने ये लिखना है कि इसके अंदर इवन अ स्मॉल वोल्टेज, अगर मैं कोई पीछे से बाइसिंग से एक छोटी सी वोल्टेज भी डेवलप कर दूं, विल सेटअप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो मैंने डिस्कस कर दिया कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिप्स ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड विच टनल टू द एन साइड थ्रू द थिन डिप्लीशन। होता क्या है कि आप हल्की सी पीछे से अगर वोल्टेज भी इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर रिलीज होगा, क्योंकि मेजोरिटी तो रिवर्स, ये रिवर्स बाइसिंग में काम होता है,
जो ब्रेकडाउन की बात हो रही है, ब्रेकडाउन का वर्ड ही रिवर्स बायसिंग में काम होता है। रिवर्स बायसिंग में मेजोरिटी कैरियर तो क्रॉस नहीं करते, पर क्योंकि डोपिंग इतनी ज्यादा है कि हल्की सी इलेक्ट्रिक वोल्टेज ज्यादा हो गई तो ये माइनॉरिटी कैरियर को जंक्शन से पास करवा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हुआ हुआ है वो भी इसमें हेल्प करता है, और साथ में जो बाहर से आपने वोल्टेज अप्लाई की वो भी इसमें हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बॉन्ड इस चक्कर में टूट जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपकी वोल्टेज भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा, तो हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। तो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है इसमें, इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं, क्योंकि जीनर वर्ड तब यूज करते हैं जब रिवर्स बायसिंग होती है, जीनर वर्ड तब यूज करते हैं जब डोपिंग की क्वांटिटी पी और एन में बहुत ज्यादा होती है। तो ये रिवर्स मेन मेन पॉइंट्स क्या लिखने हैं आपने इसमें, पहले तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपने अंडरलाइन करना है कि डो ये जीनर ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकडाउन कब होता है, जब डोपिंग की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। टीचर को पता होगा डोपिंग अमाउंट ज्यादा है, फिर उसको ये पता होगा कि, फिर आपने नेक्स्ट में लिखना है कि इससे डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है, तो आपने लिखना है डी बिकम्स लेस। डी कम होने से ई इज इक्वल टू वी बाई डी, डी कम होने से ई बिकम्स लार्ज, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो आप इन बॉक्सेस में अंडरलाइन करके चीजों को लिखोगे, बिलीव मी इतना तो कोई खास नहीं पड़ता, पता लग जाता है यार इसके पढ़ के आया ये सारी चीजें, राइट। तो उसके बाद रिवर्स बायस आप अप्लाई करोगे, व्हेन अप्लाइंग, व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड, जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, इट स्ट्रिप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी बॉन्ड, या बॉन्ड इज ब्रोकन, कुछ भी लिख सकते हो, तो जिससे कि माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस। तो इस प्रोसेस को उसने लिखा हुआ है कि दिस मेथड ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड अ सर्टन रिवर्स वोल्टेज VZ इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड एमिशन। याद रह गया तो लिख देना, नहीं तो इतना कोई खास नहीं है। इंटरनल फील्ड एमिशन बता देता हूं कि जब आप ऐसा करते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि आप उसकी VZ वैल्यू को एक्सीड कर गए, VZ का मतलब उसकी एक कट ऑफ वैल्यू थी, अगर आप अपनी बैटरी की वोल्टेज इससे कम रखते हो, बॉन्ड नहीं टूटते, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, पर अगर आप VZ को क्रॉस कर जाते हो तो बॉन्ड बहुत सारे टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं VZ को, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल फील्ड एमिशन, जिससे कि ब्रेकडाउन करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दो नंबर में और क्या लिखोगे, बस यार इतने में ही 4-5 लाइन निकलेंगी, होना तो ब्रेकडाउन ही है अल्टीमेटली, ठीक। तो ये इसके फिर करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करो, आप कोई पूछा तो है नहीं करेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारा जाता क्या है, तुमने किसको दिखाने हैं करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के, जीनर के करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दो ना, IV करेक्टरिस्टिक्स, तो पता लग जाएगा जीनर पढ़ के आया, ब्रेकडाउन पता है और साथ में करेक्टरिस्टिक्स भी पता है, इसका मतलब स्टूडेंट ठीक है, ठीक। ये ना वेट करना उसने ग्राफ पूछा नहीं, एक पेंसिल से जाता क्या है, एक लाइन तो खींचनी है से, ठीक। नेक्स्ट है एवलांच ब्रेकडाउन, ऐसी थ्योरियां मत लिखना बड़ी बड़ी, मतलब एक पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, ऐसा मत करना। अगर लिखना पड़े तो प्लीज उसे बॉक्स में जैसे हाईलाइट किया हुआ है इसको जरूर हाईलाइट करना, जो आप चाहते हो कि वो पढ़े, उसे टाइम बचेगा। तो एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, जैसे लो डोपिंग में होता है, जब पीएन डायोड में लो डोपिंग है, तो इसका तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि होता क्या है इसमें, कि सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डायोड है, इसमें कोई जीनर डायोड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है एक बायसिंग में, जाता जाता किसी और इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाता है, कोलिजन हो जाती है, उस कोलिजन से उस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जो एक एटम में पड़ा हुआ है वो भी साथ चल पड़ता है, वो भी एटम को छोड़ के दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं और फिर उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको एवलांच बोलते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, पर इसकी होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, उसका जीनर की थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ये बस इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बना देना जीनर और एवलांच, आपको पता होगा कि उसको टीचर को पता लग जाएगा कि क्या आप पढ़ के आए हो, दोनों में कंपेरिजन आपको पता है। जंक्शन डायोड पे गारंटेड 200% आपको क्वेश्चन आना ही है, ये तो तब भी आता था जब सिलेबस ज्यादा है, अब तो सिलेबस कम है, ये डायोड ही तो रह गया सिलेबस में और रह के आ गया, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी तो गारंटेड है ही है, 3 नंबर में कुछ तो आएगा ही। तो जीनर डायोड में जो जो आपका जीनर डायोड है, ये तो आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि जीनर डायोड एक्ट्स लाइक अ वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक्सप्लेन करूं। जीनर डायोड का सिंबल इस टाइप का सिंबल है, नॉर्मल डायोड से हटके है, नॉर्मल डायोड में स्ट्रेट लाइन होती है, जीनर में ऐसा डायग्राम है, तो जीनर का डायग्राम आपने वोल्टेज रेगुलेटर का ऐसा शो करना है, बाकी सब इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है यार, करेक्टरिस्टिक्स ही मेन है इसमें करने वाली। तो आपने क्या करना है, पहले लिखना है व्हाट इज जीनर डायोड, तो जीनर डायोड क्या, सॉरी व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल
तो जो प्रिंसिपल है इसका आप क्या लिखेंगे इसमें, जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन, अंडरलाइन जरूर करना कि पता होना चाहिए कि जीनर ब्रेकडाउन रिवर्स में ही काम करता है, फॉरवर्ड में नहीं काम करता। ठीक है, वो पता जाएगा ये पढ़ के आया है, रिवर्स है। द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, तो मतलब वो कहता है कि अगर मान लो आप वोल्टेज बढ़ा भी देते हो, जीनर वोल्टेज के पार भी कर देते हो, तो भी इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो ये क्या इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर पाते इसके अक्रॉस, आप करंट इंक्रीज कर जाते हो। तो जीनर की जो करेक्टरिस्टिक की थी ना थोड़ी देर पहले, रिवर्स करेक्टरिस्टिक फिर से ड्रॉ कर देना, ताकि आप ये डायग्राम से शो कर सकें, ताकि आप एक बार डायग्राम में ही शो कर दें उस टीचर को कि आपको आता है इसमें, जैसे ये जो करेक्टरिस्टिक थी ये वाली, तो आप इसमें लिख दें दिस इज वी जेड एंड दिस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो करंट इंक्रीज, मतलब उसको पता लग जाएगा यार आप पढ़ के आए हो प्रिंसिपल। फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखो इसकी, कंस्ट्रक्शन लिख दी, फिर आप इसकी वर्किंग लिखो, देखो लिखा हुआ है इसमें सारा ये रहा। फिर वर्किंग में क्या लिखोगे, देखो वर्किंग में आप इसमें तो बहुत ज्यादा लिखा है, इसमें क्या 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, देखो इसके अंदर आप नॉर्मली ये देखो इसकी वर्किंग है क्या, ये समझा देता हूं। इसकी वर्किंग ये है कि मान लो इसका जो जो ब्रेकडाउन है वो 10 वोल्ट पे होता है, पीछे से वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट, 12 वोल्ट देखो जब 10 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो ये तो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा नहीं, तो लेकिन अगर ज्यादा वोल्टेज है तो ये क्या करता है, अगर आप करंट वी जेड या उससे ज्यादा करते हो तो ये अपने अंदर से करंट पास होने देगा, इंक्रीज कर लेता है। करंट इंक्रीज करने से इसको तो उतना ही करंट मिलता है, ताकि आई इंटू आर 10 वोल्ट ही आए, तो ये अपने अंदर से करंट को ऐसे पास कर लेगा ताकि इसके अक्रॉस भी प्रोडक्ट आई इंटू इसकी रेजिस्टेंस क्या है, मतलब वैसे तो इसकी जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट पैरल में है तो 10 और ये भी 10 ही हो जाएगा, तो ये इतना ही करंट इसमें से अलाउ करेगा कि इसका प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, जितना ये खुद 10 है उतना ही ये पास कर देगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स ये बोलती है ना कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते भी हो इसकी तब भी इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट चेंज कर लेगा लेकिन वोल्टेज विल रिमेन सेम। तो करेक्टरिस्टिक खुद ही आंसर दे रही है कि करंट इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज चेंज नहीं होती। तो ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, और इसके अंदर आप अगर लिखना चाहो 2-4 लाइनें तो स्टेप्स में लिख देना, वर्किंग में जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस टू अ फ्लक्चुएटिंग डीसी, इसमें लिखा हुआ है, और आरएस का नाम लिख देना डायग्राम में एरो करके, इट इज अ ड्रॉपिंग रेजिस्टर नाम, मतलब टीचर खुश हो जाएगा, इसको पता है ड्रॉपिंग रेजिस्टर होता है, नाम है आरएस नहीं है ये। ठीक, तो ये आपने पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दिया, फिर आपने लिखा हुआ है कि अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट थ्रू आर एस एंड जीनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस इंक्रीजेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस जीनर, कुछ लिखा तो है नहीं इसमें, वगैरह पीछे से करंट जब बढ़ता है तो सब में करंट बढ़ जाता है, पर जीनर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जीनर की वोल्टेज तो कॉन्स्टेंट रहती है तो इसलिए वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगी। अब उसी चीज को लिखेगा क्या, उसकी बेचारे की करेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि वोल्टेज बढ़ने नहीं देगा, उसमें क्या लिख लोगे आप, तो वो रीजन तो दे नहीं रहा ऐसा क्यों होता है, वो तो बस ये बता रहा है कि इस तरीके से ऐसा होता है। तो आप इसको जैसे मर्जी लिखो, फिर एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो, देखो इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, शुरू शुरू में तो कोई चक्कर नहीं, वोल्टेज बढ़ती है, दोनों बढ़ती हैं, लेकिन बाद में वीजेड को क्रॉस करते हो वोल्टेज बिकम्स कौन, इतने ग्राफ बन, दो ग्राफ बना दिए, एक डायग्राम बना दिया, लिख दिए 2 लाइनें लिख दी, प्रिंसिपल लिख दिया, 3 में से 3 आ ही जाएंगे इसके बाद, तो यार लोग तो इतना भी नहीं लिखेंगे, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो थोड़ा सा अगर सही तरीके से भी लिख दोगे ना बहुत मैटर करता है, 2 के 3 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है इसमें,
नेक्स्ट है फोटोनिक पीएन जंक्शन डायोड्स, इसको करते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट डायोड बढ़ते हैं, फोटो डायोड। इन डायोड में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। तो पहली चीज इसमें जरूर लिखनी है कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, इसके बिना बात नहीं बनेगी, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। फिर आपने इसमें सबसे पहले ये लिखना है कि फोटो डायोड है क्या, फिर आपने इसका डायग्राम बनाना है, फिर आपने इसमें बॉक्स में लिखना है बड़ा सा कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसमें कि जो रिवर्स बायसिंग में, जब आप रिवर्स बायसिंग करते हो, कुछ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को, तो जो माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं उसको रिवर्स करंट बोलते हैं, फोटो डायोड में उसको डार्क करंट बोलते हैं। तो इसको भी हाईलाइट किया जा सकता है ताकि टीचर को पता हो कि आपको पता है डार्क करंट है। तो पहले लाइन में कुछ नहीं लिखा उसने, बट डार्क करंट ही बताया क्या है। तो बेसिकली ये करेगा क्या, आप इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखोगे कि फोटोन्स गिरते हैं जंक्शन के ऊपर, राइट, उन फोटोन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाए इलेक्ट्रॉन, और कुछ उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। देखो बॉन्ड टूटेगा तभी तो उसकी मोशन स्टार्ट होगी, जब बॉन्ड ही टूटेगा तो मोशन कैसे स्टार्ट होगी। तो आपने पहले ये डायग्राम बनाना है, रिवर्स बायसिंग के बारे में लिखना है, फिर फोटोन के बारे में लिखना है कि फोटोन में एनर्जी गैप ईजी होता है सेमीकंडक्टर का, तो उसमें क्या होगा कि जो आप इसमें फोटोन घेरेंगे उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर। मतलब इतना बड़ा वर्ड सुन के मतलब पता लगता है कि आप पढ़ के आए हो, एनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जा रहे। तो फोटो जनरेटेड का मतलब फोटोन के गिरने से चार्ज कैरियर्स हैं, तो माइनॉरिटी करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। माइनॉरिटी करंट तो पहले ही था रिवर्स बायसिंग में, पर फोटोन गिरने से और इंक्रीज हो जाता है, तो वहां से करंट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो करंट तो बाहर निकालना करना क्या है, तो बेसिकली रिवर्स बायसिंग में अगर पहले ही कम करंट है और फोटोन गिरने से थोड़ा सा भी करंट चेंज होता है वो पकड़ में आ जाता है। मैंने कहा था कि अगर कम लोग हैं तो उनमें कुछ चेंज होता है तो पकड़ में आ जाता है। तो माइनॉरिटी करंट अगर फोटोन गिरने से थोड़ा चेंज होता है तो उसमें करंट कैन बी डिटेक्टेड इजीली। फिर आप क्या करेंगे इसमें, ये एक करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दें कि ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी तो फिर करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मतलब देखो ना बहुत कुछ है लिखने के लिए, करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो इसका, ये ना कहीं पूछा नहीं हमसे, पूछेगा नहीं, बस फोटो डायोड पूछ लेगा आपको जो आता है आप लिख के आए इसमें। तो इसके अंदर एक पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कि अगर अलग अलग इंटेंसिटीज हैं लाइट की और जो एनर्जी है फोटोन की वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप से ज्यादा ही होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो निकलेगा। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये डिफरेंट वेरिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में ये आ सकता है
फोटोडायोड में कि माइनोरिटी ये रिवर्स बायसिंग में क्यों काम करता है, तो मैथमेटिकली प्रूफ है इसका। वैसे तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया कि अगर माइनोरिटी करंट में थोड़ा सा भी चेंज लेके आए तो माइनोरिटी करंट में थोड़ा सा जो चेंज होता है वो ड्रास्टिकली दिखता है आपको कि हाँ एक चेंज, फटाफट चेंज आया हुआ है, तो दैट कैन बी डिटेक्टेड। लेकिन मैथमेटिकली लिखने के लिए हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें एन की अमाउंट पी से ज्यादा है, और जब फोटोन्स गिरे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आ गया, नंबर ऑफ होल में भी चेंज आ गया। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल में जो चेंज आया बराबर होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे उतना ही होल जनरेट होंगे, पर एन तो बहुत बड़ा था पी से बिकॉज हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। तो इसको अगर मैं डेल्टा एन को डिवाइड कर दूं एन से और डेल्टा पी को पी से, तो ये टर्म बड़ी आ जाएगी क्योंकि इसमें ये न्यूमिनेटर तो बराबर है पर पी छोटा है, तो डिनोमिनेटर पी छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर बड़ा है, यानी कि हमने क्या लिया था एन टाइप, एन टाइप पे मेजोरिटी कैरियर कौन था इलेक्ट्रॉन, पर चेंज किस में ज्यादा देखा जा रहा है माइनॉरिटी में, तो इसलिए माइनॉरिटी कैरियर में चेंज इजीली डिटेक्टेड है, तो जब आप फोटोन्स को घेरोगे, तो ये आपको प्रूव करके आना है यहां तक, राइट। उसके बाद एलईडी, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से एलईडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, एलईडी के बारे में लिखो। एलईडी के अंदर आपने जरूर लिखना है इट इज यूज इन फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम आएगी। तो फिर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है एलईडी का, फिर आपने ये लिखना है कि जो एनर्जी गैप है एलईडी का वो जो है वो किसके किसके बीच में है, 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हिट्स दी होल एनर्जी रिलीज बिटवीन, जब इलेक्ट्रॉन जो है एलईडी होती क्या है, देखो लाइट एमिटिंग है डायोड है तो लाइट निकलेगी, इसमें फोटोन निकलेंगे, राइट। तो वो कह रहा है कि हम ऐसी एलईडी यूज करेंगे जो एनर्जी एमिट करे वो इतने के बीच में एमिट करे, तो जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 और 3 के बीच में हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहां से एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी जो इस रेंज में लाई करती है वो देखी जा सकती है, इसको विजिबल रेंज के साथ मैच करते हैं, तो इसीलिए जो सिलिकॉन है उसकी जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो एलईडी बनाने के काम नहीं आएगी, क्योंकि जब सिलिकॉन के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, तो इसीलिए आपने ये लिखना है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1.8 और 3 के बीच में होनी चाहिए, हम ऐसी एलईडी यूज करते हैं। तो एलईडी करेगी क्या, आप कुछ नहीं कर रहे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था, तो इससे बस ये लिखना है कि आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, और फॉरवर्ड बायसिंग में जो है लाइट फोटोन्स आर एमिटेड फ्रॉम नॉन मेटलाइज सर्फेस ऑफ एन टाइप रीजन आर लिमिट्स द करंट थ्रू द एलईडी एंड हेंस कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब वो कह रहा है कि देखो एलईडी में करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को, मेजोरिटी कैरियर जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो कैसे क्रॉस कर रहे हैं, आपकी बैटरी की एनर्जी लेके, तो जब उसके बॉन्ड टूट रहे हैं, जब बॉन्ड टूट रहे हैं और वो एक्साइट होके, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जितनी एनर्जी रिलीज कर देता है, पहले उसने एनर्जी ली हमसे ताकि वो एक्साइट हो जाए, एनर्जी गैप को क्रॉस कर दे, और अब वो क्या करेगा उसे वापस, तो जब वापस रिलीज कर रहा है तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देता है, ये एलईडी का प्रिंसिपल है। उसने कहा चलो ऐसा तो हो गया, अब आपने एक रेजिस्टेंस आर भी लगाई एलईडी के साथ ताकि आप लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सके, लाइट ज्यादा लाइट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस आपको हेल्प करेगा। तो एलईडी का डायग्राम है, वर्किंग लिख सकते हो, फिर आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि फॉरवर्ड पहले इसमें फॉरवर्ड बायसिंग की दो लाइनें लिख दो कि फॉरवर्ड बायसिंग हुई है पी और एन में मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, फिर आप ये लिख दो ऑन रिकॉम्बिनेशन जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होते हैं तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइट होता है और एनर्जी को रिलीज करता है और वो फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर जाता है। अब आप इस स्टेप में ऐसे लिखो व्हाट इज एलईडी, फिर आप लिखो डायग्राम ऑफ एलईडी, फिर आप लिखो उसमें एलईडी जो है फॉरवर्ड बायसिंग में काम आती है, फिर आप लिखो कि 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में फॉरवर्ड एनर्जी गैप होना चाहिए, क्यों होता है वो स्टेप को बोल्ड में अच्छे से लिखो ताकि पता लगे टीचर को, आपको अलग सा पॉइंट आता है, फिर आप लिखो कि पीएन जंक्शन में मेजोरिटी कैरियर क्रॉस करते हैं जंक्शन को, फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टेप्स में लिखो, ये कहानी मत लिखो स्टेप्स में लिखो और अंडरलाइन करते जाओ हर स्टेप की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट में लिखो कि ऑन रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन और होल जो है इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा और एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इतना इतना सफिशियंट है, ठीक है। आता फिर एक डायग्राम ये ड्रॉ कर दोगे फिर तो मतलब कमाल ही होगी, फिर तो एलईडी पक्का पढ़ के आए हो, ये डायग्राम ड्रॉ करोगे बहुत है लिखने के लिए यार, 3 नंबर में 3 नंबर आ ही जाएंगे लिखने। तो सोलर सेल, सोलर सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जंक्शन डायोड है विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इज बेस्ड ऑन फोटो वोल्टिक इफेक्ट, यानी कि बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटोन से वोल्टेज को जनरेट करवाते हैं। तो व्हाट इज सोलर सेल लिखना है, सोलर सेल का ये डायग्राम ड्रॉ करना है,
ये डायग्राम के साथ ये भी साइड व्यू भी ड्रॉ कर दो। इसके ऊपर एक मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड होता है। होता क्या है कि एन टाइप है, ये पी टाइप है। जंक्शन इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा कम होती है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। आप फोटॉन्स घेरते हो, फोटॉन्स घेर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ब्रेक होते हैं, मीन्स बॉन्ड टूटेंगे। इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इस मेटल के ऊपर चढ़ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और होल्स मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले गए, तो यहाँ पर प्लस 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 क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरा टर्मिनल ब्लू वाला नेगेटिव हो गया और ये प्लस हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है माइनस और प्लस, तो सोलर सेल हो गया। अगर आप पीछे से कोई बल्ब लगाओगे इसके इन दोनों के क्रॉस, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के वापस यहां पे आएंगे, करंट जनरेट हो जाएगा और सोलर सेल काम करना शुरू कर देगा। एंड मुझे मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना, मुझे इसका पता नहीं है यार, थिकनेस ज्यादा कम का क्या है, वो वेफर लगाता है बिल्कुल ही, बहुत पतली परत लगाता है मेरे ख्याल से, इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो है मतलब, हाँ एक रीजन हो सकता है इसका कि आपको जंक्शन पे फोटोन को घेरना है, पी और एन के जंक्शन पे बॉन्ड टूटते हैं, अगर वो थिकनेस ज्यादा लगा देगा तो जंक्शन तक फोटोन पहुंच नहीं पाएंगे, ऊपर की थिकनेस परत कम होनी चाहिए ना, तभी वो अंदर पेनिट्रेट करेगा फोटोन, नहीं तो करेगा नहीं। याद आ गया, ये था इसका रीजन। तो पेनिट्रेट करेगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो अभी नहीं, ये लॉजिक हो सकता है, हालांकि लिखा नहीं उसने, पर मेरे को लगता है कि यही लॉजिक है, तभी उसकी थिकनेस एक बिल्कुल परत की तरह होती है। तो आप इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है तो कि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल, तो इसके बारे में ये लिखना है कि जो सोलर जो रेडिएशंस हैं उसमें फोटॉन्स गिरते हैं, जो फोटॉन्स गिरते हैं उनका ये ग्राफ है, फोटॉन्स जो गिरते हैं उनकी ज़्यादातर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनके पास एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, बाकियों की कम होती है, और इनका फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में होता है। तो जब क्योंकि सोलर सेल में तब बॉन्ड ब्रेक होंगे जब फॉरवर्ड एनर्जी गैप जितनी एनर्जी को आप जो इन्हें देंगे, तो ऑब्वियस है कि आप उन फोटॉन्स को यूज करेंगे या उन सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे जो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जिन जिनके पास उस टाइप की एनर्जी है उसके साथ उसको जो है उसकी कोलिजन होगी। तो फोटॉन्स ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो 1 पॉइंट मतलब 1 से लेके इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी इस रेंज में ही रहता है इन इन दोनों का, इसलिए इनको यूज किया जाता है इन मेकिंग सोलर सेल। तो ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स जरूर ड्रॉ करके आना, और पक्का यकीन हो जाएगा टीचर को ठीक तरीके से पढ़ के आया हो विद करेक्टरिस्टिक्स, ये मत कहना पूछी नहीं थी। तो आप अपनी नॉलेज दिखाओगे भी किसको, पेपर हो जाएगा तो कौन पूछेगा आपको आती थी, लिख देना। ट्रांजिस्टर था सिलेबस में, इसके बाद खत्म है, ठीक है। एक बार पेपर देख लें जरा क्या आया हुआ है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। सेमीकंडक्टर के लिए यू लाइक का पेपर जरूर 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 पढ़े, बता दिया मैंने आपसे, इसकी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी जाएंगी, आंसर तो वही है जो हमने आज पढ़ लिया है, बट पॉइंट इज कि इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अगर इनडायरेक्ट आ गया तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जिन जिन्होंने ये बुक करके गए हैं वो उनके लिए सब सही है, जो नहीं पढ़ना शुरू करो, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आई हुई है। चलो अब ये तो आएगा नहीं, लास्ट ईयर ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल आया है, अब ट्रांजिस्टर तो हट गया, अब जीनर का आएगा पक्का, न्यूमेरिकल बनेगा ही जीनर का पक्का, आएगा तो सही ना, तुम्हारे लिए आसान है, अब जिसने जो भूल गया उसको तो आसान नहीं ना। चलो इन एनी केस ये तो आएगा नहीं, अब
draw energy band diagram of n type p type semiconductor at temperature. एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है पी टाइप एन टाइप का. क्या करेंगे? डोनर स्टेट, एक्सेप्टर स्टेट, जो आज मैं बात कर रहा था, आ गया. नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. पी टाइप में एक्सेप्टर, आंसर भी दे रहा साथ में नीचे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड. एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल वॉट रोल ऑफ दीज एनर्जी लेवल प्ले इन कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड. अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा, जो डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बुकलेट है ये लिख दिया आंसर हो गया. है तो आंसर तो वही है यार, एनर्जी लेवल से समझाना है. कि आपने ये समझाना है कि जो अगर एन टाइप है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ हो जाता है? ऊपर हो जाता है, फर्मी लेवल कंडक्शन के पास हो जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी फ्री टू मूव है टुवर्ड कंडक्शन बैंड, तो उसको हल्की सी एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ता है. और उल्टा पी टाइप में क्या होता है, जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो गैप कम हो जाता है. और जब गैप कम होता है जो कंडक्शन और वैलेंस के बीच में, गैप कम करने से क्या होगा, उससे होल्स की कंडक्शन बढ़ती है, जो हम फर्मी लेवल, क्योंकि जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो होल जनरेट कर देते हैं एक्स्ट्रा, होल जनरेट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसकी इंक्रीज हो जाएगी. अपने वर्ड्स में लिखना है उसमें कि क्या आप सोचते हो उसके बारे में, कैसा क्या होगा इससे. और तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड रिजल्ट तो वही निकलेगा. आप कैसे अब एक्सप्लेन करते हो, कहानी करते हो, डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करते हो, यह आपकी प्रेजेंटेशन है सारी. ठीक, लो 23rd. विद व्हाट considerations in view is a photodiode fabricated. बंदे को जो वैसे क्वेश्चन उड़ते हुए आते हैं ना, जो ये पूछ ले ना व्हाट इज फोटोडायोड, एक्सप्लेन, तब तो होती है खुशी. जब वैसे पूछ लेते हैं ना कि विद व्हाट considerations इन व्यू फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड, बंदा सोचता है यार ऐसी कौन सी सोच है जो फोटोडायोड बनाते हुए, मेरे को तो पता नहीं है, चाहे उसको सब कुछ पता हो फोटोडायोड के बारे में. आगे आगे, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, सूटेबल डायग्राम, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ वीआई करेक्टर्स की भी पूछ रहा है फोटोडायोड की, तो क्या कंसिडरेशन सोच सकते हो फोटोडायोड बनाते हुए? फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो वही गेम प्ले करेगा, क्योंकि पहला तो ये लिखना है कि फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि फोटोन गिरने से बॉन्ड टूटे, एक हो गया. दूसरा, कौन सी बाइसिंग होनी चाहिए इसके साथ, फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए और 1.8 और 3 के बीच में एनर्जी गैप होना चाहिए. बस एक नंबर में ही है, बहुत है, बाकी भी तो करोगे तीन नंबर के. अब प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वहां पे क्या दिमाग में आया मालूम नहीं किसी को, बट ये है कि छोड़ मत आना, कुछ भी लिख के आना, चाहे व्हाट इज फोटोडायोड लिखाना, कुछ तो लिखना. अगर कुछ नहीं आता छोड़ के मत आना कोई पार्ट, कहने का मतलब बस सेमीकंडक्टर में तो भाई यही लगता है मुझे, और कुछ नहीं लगता. दो हजार 2018 भी देख ही लें यार क्या है एक बार. क्या हुआ, सेमी कंडक्टर आया ही नहीं, ये रहा. स्टूडेंट वांट्स टू यूज टू पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम. चलो रेक्टिफायर आ गया. कई ऐसे भी होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता क्या पूछ लिया, अभी हंस रहे हो ना, एक आध क्वेश्चन आपके सेट में भी आएगा, फिर लोग भी हंसेंगे, तेरे को ये नहीं पता लगा, ऐसा भी हो जाता है और बहुत दुख होता है यार ये क्या कर लिया यार, तो पता नहीं लगता. कई तो ऐसे भी हैं, ट्रांसफार्मर पूछा है, जनरेटर पूछा है, रेक्टिफायर पूछा है, इस लेवल में भी सोचते हैं तो जनरेटर कहाँ से आएगा. कई ऐसे तो जवाब भी देते हैं, भाई ये
रेक्टिफायर है ना, तो पता होना चाहिए कि मशीन क्या करती है, तो इन डेट क्वेश्चन है। आगे ट्रूथ टेबल और नैंड गेट, कोई टाइम था ट्रूथ टेबल आया करता था, नैंड था, अब नहीं आया वो टाइम। ट्रांजिस्टर उड़ गया, एक क्वेश्चन देखो ट्रांजिस्टर का पक्का था, गया आपके उससे। अब इसकी जगह क्या टॉपिक आएगा ये मुझे मालूम नहीं है। अब देखो मेरी रिकमेंडेशन तो मैं अभी भी कह रहा हूं, आप कि 9 नंबर, 9 से ज्यादा नंबर फ्री हुए हैं जो उस कैटेगरी में जा चुके हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या आएगा। बाकी सारे चैप्टर्स हमने एनालाइज किए हैं और प्रिडिक्टेड है कि क्या आएगा, इन 9 नंबरों के बारे में मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो आप प्लीज थोड़ा डर के सैंपल पेपर कर लें, यूलाई का पेपर करें, जो आएगा आएगा उसी में से। अब किस चैप्टर में उसको ठीक करेंगे, देखो सेमीकंडक्टर में कुछ तो करेंगे ही, तो एक की जगह दो क्वेश्चन तो आने ही हैं इसमें से, तो प्लीज एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है इस यूलाई का, नहीं तो बात नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? अच्छे से करके जाना है। बस इतना ही है, ठीक है? पर यू लाइक में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पक्का करके जाने हैं, राइट? अच्छा दूसरी चीज, अभी चैप्टर्स की रिवीजन तो ओके है, ठीक है, एक बार कर ली, अब आपका काम है, अब आपने सैंपल पेपर पढ़ने हैं, और सैंपल पेपर में क्योंकि इसका सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है एनसीईआरटी का, अभी सुन सुन 2 मिनट लूंगा, सेकेंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब आपने क्योंकि अभी तक जो मैं पेपर बना रहा था वो 10 ईयर में से बना रहा था, पिछले 10 साल के पेपर आपको दिए जाते थे पेपर के अंदर, तो जिन्होंने नहीं दिए वो प्लीज अब 2 टेस्ट देंगे, जब भी पेपर का टेस्ट होगा 10 ईयर वाला भी, और जो मैं अब पेपर बनाऊंगा वो यू लाइक में से होगा, 2 चीजें कवर करवानी है, 10 ईयर का और यू लाइक में से। 10 ईयर तो हो गया हमारा काम, अब यू लाइक की बारी है, तो 2 चीजें आपको कवर करनी है, इसके बाद आपके 90% कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक? तो पक्का आएंगे, और प्रोवाइडेड आप सारा पेपर करके आए, आप छोड़ाएंगे 10 नंबर का तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, या अगर वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया कहीं से, मैंने बताया, और कितने एक लोग होंगे बता देता हूँ, 100 में से कम 10 या 12 लोग होंगे इनका पेपर छूटेगा फिजिक्स का, मैं पहले ही बता दूँ, आपको लगेगा कि मेरी बात नहीं हो रही, मैं हमेशा लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने ऐसे बोला ऐसे ही कि मेरी बात नहीं हो रही, लेकिन आप में से कोई होगा जो ऐसा कर आएगा मेरे कहने के बाद। 2 चीजें रुक मैं हमेशा मना करता हूं कि एक तो पेपर नहीं छोड़ के आना, फिर भी छोड़ के आते हैं, दूसरा कि 5 नंबर का पहले करना, 3 करना, पैनिक नहीं करना, 2 4 क्वेश्चन नहीं आते घबराना नहीं, उसको वहीं छोड़ देना, जो आते हैं उसको पहले ध्यान से 2 4 मिनट आराम से पहले ढूंढना कि क्या आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 2019 में कभी कभी उन स्टूडेंट की बात हो रही है जो थोड़ा सा कम तैयारी करके जाते हैं, जो सैंपल पेपर पूरा करके गया उसको कोई डर नहीं, हमने 2019 का पेपर देखा कोई डर नहीं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो टू दी पॉइंट ही करके जाता है, ये डेरिवेशन कर जाता हूँ बस मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि या तो वो कर नहीं पाता या पूरा साल ठीक तरह पढ़ा नहीं है, जो जो भी है, होता क्या है कि सबसे पहले वो पैनिक होता है, वो उन स्टूडेंट का ये कहना होता है हम गए हमने देखा पेपर पूरा खोला, समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूं ये करूं ये करूं या ये करूं, कोई सेक्शन में पूरा आ नहीं रहा था, किसी का ए समझ में आ रहा है किसी का बी, 2 4 मिनट में कुछ नहीं होता, ये कोई मेंस का पेपर नहीं है जिसमें अब स्पीड चाहिए होगी, अभी हमें थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से पहले मार्क कर लो, डिसाइड कर लो, देखो जो तो बहुत तैयारी करके गया है एक्सपेक्टेड तो यही है, बहुत सारी तैयारी करके जाओगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपको फॉर्मूला पक्का पता है 5 3 2 वाला सही है, अब उन लोगों की ज्यादा दिक्कत हो जाती है जो थोड़ा उतर जाते हैं बिना तैयारी के, तब उनको थोड़ा सा ठंडा रहने की जरूरत है, और उनको 2 ही चीजें हैं, पहले उनको देख लें कि क्या कुछ आता है पहले, और उसके बाद फिर खाली कुछ ना छोड़ के आए। मैं अभी भी कह रहा हूं मैंने ऐसे केस देखे हैं यार, जितने नंबर का अटेम्प्ट किया फिर उतने नंबर आ गए, अब मानोगे नहीं, वो लड़का कहता मैं 35 का अटेम्प्ट किया, भाई वो कहता 34 35 कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी केस है, कुछ नहीं पता लगता आप लिख के आए उसमें, ठीक? तो प्रैक्टिस अभी देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो दूसरी चीज एक और बतानी है, मेंस का एनालिसिस जो पेपर अभी हुआ सारे पेपर्स, तो मेंस का एनालिसिस कर लें इस वीक अगर कहो तो, डिस्कशन कर लें, सारे पेपर्स खत्म कर दें, कर दें ना, कौन कौन चाहता है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, कर दूं मैं फटाफट खत्म कर दूंगा ताकि सारे पेपर्स एक बार
तो कमिंग वीक में क्लास लगाऊंगा, एक बार प्लस वन की लगा दूंगा, सारे प्लस वन सेक्शन खत्म कर देंगे, एक बार सिर्फ प्लस टू, दो सेशन में सारे पेपर्स को एक बार डन कर देंगे। आप कल की तैयारी करो फिर, ठीक?